हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्ट आईएएस। आज हम करेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होती है, दोनों भी हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ओके, नॉमिनल जीडीपी मेजर्स अ कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग करंट प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी में हम कंट्री की सीमा में डोमेस्टिक में बड़ा देख रहे हैं, इसका मतलब है घरेलू जो प्रोडक्शन होता है कंट्री की सीमा में, उसको हम इसमें ऐड करते हैं। जो करंट प्राइसेस होता है उस ईयर का, उसको हम नॉमिनल जीडीपी में ऐड करते हैं विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। इसमें सबसे मेन टर्म्स यूज हुई है वो है इन्फ्लेशन। इसमें नॉमिनल जीडीपी में हम टर्म्स जो इन्फ्लेशन यूज हुई है उसको एडजस्ट नहीं करते हैं, विदाउट एडजस्टिंग इन्फ्लेशन को हम नॉमिनल जीडीपी में ऐड करते हैं। नॉमिनल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आल्सो कॉल्ड करंट डॉलर स्टैटिस्टिक्स। जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स होती है उसको हम करंट डॉलर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। द नेचुरल राइज एंड फॉल, जो नेचुरल राइज होता है, फॉल होता है इन्फ्लेशन में, वो नॉमिनल जीडीपी द्वारा कैप्चर किया जाता है। विच ट्रैक द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन इकोनॉमी ओवर टाइम, जो कि हमें बताता है कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इकोनॉमी में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब एक साल का एक पीरियड होता है। मैं समझाता हूँ आपको नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी में, जैसे हमने 10 पेन बनाए, 100 रुपए का एक पेन था, ओके, जिसकी कीमत हुई, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हुई 1000 रुपीज। नॉमिनल जीडीपी में हम जो भी ऐड करते हैं, जो भी वैल्यू, वो जो प्रोडक्शन सर्विस मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करते हैं। और ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो फिनिश्ड गुड्स की होनी चाहिए, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की, ओके। वो गुड्स फिनिश होना चाहिए, फिनिश गुड्स मतलब वो गुड्स जो है रॉ मटेरियल नहीं होना चाहिए, वो गुड्स को हम यूज कर सकें ऐसा वो गुड्स होना चाहिए, उसकी वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू को हम नॉमिनल जीडीपी में ऐड करते हैं। अभी बताता हूँ आपको, जैसे 10 रुपए का एक पेन बनाया 2020 में, जिसकी वैल्यू थी 100 रुपए पर पेन की, ओके, तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू कितनी हुई 1000 रुपीज। अभी 2020 की जो जीडीपी है वो टोटल शो करती है 10,000 रुपीज। अभी 1000 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो उसका 10% इंक्रीज होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1000 रुपीज है। अभी 10,000 का 1000 कितना होता है 10%, तो इससे हमें पता चलता है कि 10% जीडीपी में इंक्रीज हुआ है। ये नॉमिनल जीडीपी होती है, ओके, क्योंकि इसमें हम मॉनेटरी वैल्यू ऐड करते हैं, जो जितना प्रोडक्शन हुआ है उस ईयर में गुड्स का, सर्विसेज का, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस ईयर में, ओके। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इज इन्फ्लेशन adjusted calculation that analyzes the rate of all commodities and service manufactured in a country over a fixed year. इसमें हम जो ऐड करते हैं वो एक फिक्स ईयर में होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया था नॉमिनल जीडीपी में एडजस्ट नहीं होता इन्फ्लेशन, लेकिन रियल जीडीपी और नॉमिनल में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते हैं और नॉमिनल में एडजस्ट नहीं करते, जिससे हमें पता चलता है कि रियलिटी में जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है। अगर हम एडजस्ट इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते तो हमें सिर्फ नॉमिनल जीडीपी ही मिलती है, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना रियलिटी में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ और कितना जीडीपी हमें ग्रोथ करके दे रही है उस ईयर में। इट इज एक्सप्रेस इन फाउंडेशन ईयर प्राइस एंड एफर्ट वेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी भी बोलते हैं और कॉन्स्टेंट प्राइस जीडीपी भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन करेक्टेड का मतलब यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि ये जीडीपी को करेक्ट करता है, रियल जीडीपी बताता है कि वाकई में उस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है उस जीडीपी में। मैंने कैलकुलेटेड रियल जीडीपी बेस ईयर इज सिलेक्टेड टू कंट्रोल फॉर इन्फ्लेशन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन्फ्लेशन कितना इंक्रीज हुआ कितना नहीं, तो उसको हम नापने के लिए एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं, जिससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं बेस ईयर को बेस ईयर के साथ हम कंपेरिजन कर सकते हैं करंट ईयर को, जिससे हमें पता चलता है कि रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है। रियल जीडीपी फिगर कैप्चर द क्वांटिटीज ऑफ फूड प्रोड्यूस इन डिफरेंट ईयर यूजिंग द प्राइस फ्रॉम द सेम बेस ईयर। हम बेस ईयर सेम रखते हैं हर साल के लिए, जिससे हमें हर साल का जीडीपी पता चलता रहता है कि कितना रियलिटी में ग्रोथ हुआ है। द डिफरेंट रियल जीडीपी फिगर फ्रॉम वेरियस ईयर्स रिफ्लेक्ट चेंज इन वॉल्यूम रादर देन वैल्यू।
मैं समझाता हूँ आपको डिफरेंस क्या होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। जैसे हमने 2020 में 10 पेन का प्रोडक्शन किया था 100 रुपीज पर पेन के हिसाब से, ये पेन है और ये उसकी कॉस्ट है, तो टोटल इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी हुई 1000 रुपीज। ओके, और अब हम इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए बेस को स्टार्ट करते हैं जो कि है 2012। मान लीजिए 2012 में भी हमने सेम 10 पेन का प्रोडक्शन किया था लेकिन उसकी वैल्यू उस टाइम पे 50 रुपीज थी, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 500 रुपीज। ओके, अब इसमें इसका डिफरेंस कितना है सिर्फ 500 का। तो अगर हम 2000 के 12 को कंपैरिजन करेंगे 2020 के साथ, तो रियलिटी में सिर्फ 500 का ही इंक्रीज हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि 10,000 जो जीडीपी थी 2020 की, उसमें सिर्फ 5% ही इंक्रीज हुआ है रियल जीडीपी में। यह हमें दर्शाता है कि वाकई में कितना प्रोडक्शन हमारी कंट्री में एक साल में इंक्रीज हुआ है बेस ईयर के मुकाबले जो कि है 2012। ओके, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है आप तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।